हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो होने लगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट मीशो ज्वेलरी हॉल। और जितने भी ज्वेलरी होते हैं ना, मोस्टली रिलेटेड हैं आपके वेडिंग से, क्योंकि वी ऑल नो वेडिंग सीजन इज़ कम अप। और मैं बहुत ज़्यादा इस बार सर्च आउट करके सिर्फ अफोर्डेबल ज्वेलरी ही लाई हूँ, क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि एक्सपेंसिव चीज़ों को ख़रीदना। सो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते भी हैं और उसकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है। तो लेट्स जंप टू दिस। फर्स्ट ज्वेलरी जो मेरे पास है वो एक ब्यूटीफुल सा माउंट टीका है, ये ग्रीन कलर का, इतना ज़्यादा प्यारा है कि इसके मिड में देखिए इस तरीके की कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। और मैं ग्रीन कलर को ना एक मल्टी कलर में कंसिडर करती हूँ, क्योंकि ये डार्क कलर हो, आपकी लाइट कलर हो, हर ड्रेस पे, हर कलर के ड्रेस पे चल जाएगी। सो ये तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। सारे ज्वेलरी में से जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो ये वाला लगा, इतना प्यारा लुक दे रहा है ना, आई कम, मुझे खुद से प्यार हो गया इसको देख कर। उसके बाद आई हैव दिस, पूरा ज्वेलरी का ये सेट है जिसमें कि बहुत एक लॉन्ग सा ज्वेलरी है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स पे अपलोडेड कर लिया है। इसका मुझे डिज़ाइन इतना ज़्यादा एस्थेटिक और एकदम रॉयल वाला लुक दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इतना ब्यूटीफुल सा कलर है। ऊपर से ग्रीन कलर का, मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार सिर्फ मैंने ग्रीन ही कलर ले लिया है। इट्स ओके। और इसके साथ ये दो ब्यूटीफुल सा इयररिंग आया है, वो भी ग्रीन कलर का ये, और ये तो मेरे को पक्का एकदम रॉयल वाला ही लुक दे रहा है। उसके बाद मैंने एक ब्यूटीफुल सा पूरा सेट लिया है जिसमें कि आपको इयररिंग मिलेगा, मांग टीका मिलेगा, वो ये है, ये कलर में, ये क्रीम कलर में है। लेकिन जब हम क्रीम कलर की बात करते हैं तो जो अगर आपके पास कुछ लाइट ड्रेस होंगी तो उसके साथ ये बहुत अच्छा मैच होगा और ब्यूटीफुल सा एकदम रॉयल वाला लुक देगा। अगर आपके पास एकदम लाइट कलर का कोई ड्रेस अगर आप पहन रहे हैं वेडिंग में, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पूरा क्रीम कलर का है। इसका मांग टीका भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। उसके बाद मैंने हल्दी के लिए एक ये बहुत प्यारा सा मांग टीका लिया। ये मैंने बस इसी ले लिया क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, येलो और पिंक में। और जो मुझे हल्दी में मिलती है ना हमेशा, पता नहीं कि वो सारे पिंक होते हैं और मेरे को मज़ा नहीं आता, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन के वजह से ही बस मैंने इसको लिया। बट ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, मतलब एकदम मज़ा आ गया वाला प्यारा होता है। वाओ, व्हाट अ मौसम। चलो, बाद एक और मैंने पूरा सेट लिया है, ये भी आप कह सकते हैं क्रीम कलर का है, बट वो थोड़ा बड़ा इयररिंग था और ये एकदम छोटे छोटे इस तरीके के इयररिंग, इस तरीके के कुछ इयररिंग्स हैं जैसा कि देख सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सा मांग टीका मिला है और ये मुझे बहुत अच्छा सेट लगा, क्योंकि छोटे में एकदम क्यूट सा नहीं होता, एकदम छोटा हो लेकिन क्यूट सा हो, वैसे वाला ये लुक दे रहा था। इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, एकदम ऐसा होता है ना कोई चीज़ों को देख के एकदम मज़ा आना, मेरे को ये देख के इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, छोटा सा एकदम क्यूट सा है। जो मेरे को एक और मेरे को जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इयररिंग, उसकी हम बात करते हैं, ये दिस, ये ग्रीन वाला, मतलब ग्रीन कलर ना आजकल मेरे को ग्रीन कलर के जो इयररिंग्स होते हैं, जो नेकलेस होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, वो आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ग्रीन कलर का ये मैंने झुमका लिया और ये सीरियसली बता रहे हैं सबकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, कि मैं सोची थी कि अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा तो मैं रिटर्न कर दूँगी, बट अब तो मैं कुछ नहीं रिटर्न करने वाली, इतनी अच्छी इस सबकी क्वालिटी आई है। इसके बाद लास्ट जो मैंने लिया वो मैंने लिया दिस मांग टीका, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, प्यारा है। और ये भी हम क्रीम कलर में नहीं कहेंगे, पिंकिश कलर का ये पूरा टेक्सचर दिया हुआ है, वाइट कलर के नीचे इस तरीके के कुछ झुमके दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और पहनने के बाद तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा, जिससे कि आपको मज़ा आ जाएगा आपके लुक में। अगर इन सारे ज्वेलरी में से कोई भी पहन लेंगे ना, आपके लुक में चार चांद लग जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। आपको कौन सा ज्वेलरी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस क्या करो, जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इट्स मीन्स अलॉट फॉर मी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।